विधायक गणेश नाइक ने आयुक्त से की मुलाकात, उद्यान घोटाले की जांच और अस्पतालों में सुरक्षा का उठाया मुद्दा। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने नवंबर में मनपा आयुक्त से मुलाकात की और कोरोना उपचार समेत तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मनपा अस्पताल में तोड़फोड़ और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए हॉस्पिटलों में पुलिस तैनात करने का सुझाव दिया। उन्होंने पाम बीच रोड की तर्ज पर शहर की अन्य सड़कों को भी हस्तांतरित करने की मांग की, ताकि मनपा के जरिए उनकी बेहतर मरम्मत कर सकें। में पीडब्ल्यूडी के रोड है, कई इलाके में एमएसआरडीसी के रोड है, कई इलाके में सड़कों के रोड है, एमआरडीसी के रोड है, वो सब रोड महापालिका के अंदर से जाने वाले सब महापालिका के पास लेके उसकी मरम्मत और उस पर ध्यान दिया जाए। उद्यान घोटाले से जुड़े मीडिया के सवाल के जवाब में पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि अगर उद्यानों के टेंडर में धांधली हुई है तो तत्काल उसकी जांच पूरी होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मनपा की जांच में हो रही देरी पर भी सवाल उठाया। जो अधिकारी जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको पनिश किया जाना चाहिए, लेकिन वो इंक्वायरी हो रही है ऐसा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पिथापे ने जो बताया कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं, पेड़ गलत ढंग से बढ़े हुए हैं। हमारे मस्कर नाम का घनसोली का उसने बोला उद्यान में पूरा घास हुआ है, जिसके जरिए सांप काटने से किसकी मौत भी हो सकती है। तो इंक्वायरी करो, निर्णय जो कुछ भी लो, लेकिन इंक्वायरी का निर्णय जल्दी लो। वो उसमें गुनहगार है तो उसको सजा दो, बेगुनाह है तो उसको क्लियर कर दो कि भाई बेगुनाह है। स्पेशल डेस्क टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।